हेलो चलो स्टार्ट। हेलो एवरीवन, सबसे पहले स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आप सबको गणेश उत्सव की काफ़ी सारी शुभकामनाएं। जैसे कि हम सब ने दर्शन किया और जो देखा बैनर पर जो लगा है कि बागेश्वर गणपति विसर्जन पूजन, फिर लक्ष्मण जी आपसे पूछना चाहेंगे कि बागेश्वर गणपति नाम क्यों रखा? हाँ, बागेश्वर गणपति जी नाम बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये इसलिए रखा है कि मैंने तो 2016 में स्थापना की थी, लेकिन 2020 में मैं बागेश्वर धाम गया था। तो जब मैं महाराज जी से मिला, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से, तब उन्होंने मेरे को जो मेरी बातें बतानी थी वो तो बताई। फिर उन्होंने बना के अपने घर पे गणपति जी विराजमान किए, 2016 में बिठाए, और मतलब जो मेरा संकल्प था वो उन्होंने बता दिया। और उन्होंने बोला कि बिठा के रखो, सेलिब्रिटीज के हाथों विसर्जन होगा। तब से उनका नाम नहीं था ना, घर पे आए थे तो नाम तो था नहीं, तो फिर उस दिन से मैंने बागेश्वर गणपति जी उनका नाम रखा। लक्ष्मण जी, आप किस नजर से देखते हैं बागेश्वर धाम? बागेश्वर धाम वो तो एक साधना का प्रताप है, और उनके बारे में तो मैं जितना कहें उतना कम है, सब लोग उनसे परिचित है, और तपस्या का बल है उनका। कोई लोग कहते हैं कि चमत्कार ये कुछ नहीं होता, उन लोगों को पता नहीं है। बोलते हैं बंदर किया जाना है अदरक का स्वाद, उनको क्या पता साधना क्या होती है, तपस्या क्या होती है। तो अब बात यह आती है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी तो 27 साल के, उन्होंने कौन सी साधना की? नहीं, उन्होंने इस जन्म में साधना नहीं की, लेकिन कई पुरुषों में उनकी साधना है, इसलिए उनका ऐसा साक्षात्कार है, इसलिए वो सबके मन की बात पढ़ते हैं और लोगों के दुखों का निवारण करते हैं। तो वो तो है ही, शक्तिपीठ है और साधना बालाजी की कृपा है, सब लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे। बाबा के पास ऐसा क्या है जिससे वो सबके मन की बात जान ले? वही सिद्धि का प्रताप है ना, साधना की उन्होंने, ने आपको तपाया है उन्होंने। और निर्भय जी ने तो हनुमान जी का कैरेक्टर किया है, उनको तो पता है सिद्धियों के बारे में, कि शिव जी भी किस तरह से हनुमान जी को सिखा रहे, योग विद्या सिखा रहे, ध्यान मुद्रा सिखा रहे। तब उनको साक्षात्कार होता है, जब कभी हनुमान जी मुसीबत में रुक जाते, वो कभी फंसे नहीं, लेकिन थोड़े समय के लिए वो रुक जाते, तब वो अपने आप ध्यान लगाते, तो उनको सारा वो याद आता था, अच्छा ये करने से ये समस्या सॉल्व होगी। तो इस बारे में तो निर्भय जी भी बताएंगे कि कितना सिद्धि का प्रताप होता है। हाँ निर्भय जी, आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ, मैं भी मानता हूँ इन चीज़ों को, मैं भी बाबा जी से मिला हुआ हूँ बागेश्वर धाम में, हालांकि नहीं गया, लेकिन मेरी मुलाकात उनसे अंधेरी बस्ती के अंदर हुई थी, स्वास्थ्य के ऑफिस में। तो लिटरली लग रहा था कि सही में उनका उनका तेज देख के, गौरा देख के, कि वाकई में ये चीज़ें होती हैं और महसूस होती हैं जब आप उनके सामने बैठेंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि कुछ पॉजिटिविटी मेरे को मिल रही है अंदर से, मतलब ऑटोमेटिकली अपने दुख दूर हो जाते हैं, ऐसा मेरे को भी महसूस हुआ। कर्णिका जी, कई सारे इंस्टाग्राम पोस्ट में, अपडेट्स में हमने आपको भी देखा कि आप भी इनसे मिले थे, तो कैसा लगा आपको? चमत्कार है, आशीर्वाद है। और मेरी को मेरी जो ये मूवी का बारे में बताते हैं, स्टार गेट जो आ रही है, जो वर्ल्ड में जो पहली 360 डिग्री होने वाली है, वो मुझे बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से ही मिली है। मैं फैब 12th को बागेश्वर धाम गई थी और मेरा एग्रीमेंट साइन हो गया था 21st फैब को, तो ये कितना बड़ा चमत्कार है मैं बता नहीं सकती। ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि जब मैं बागेश्वर धाम गई उसके बाद मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। मैं बहुत खुश हूँ, और शक्ति है, और बहुत प्योर शक्ति है। मैं खुद फील करती हूँ कि जब गुरु जी के सामने होते हैं, जो पॉजिटिव ऑरा है उनकी, जो शक्ति है, वो महसूस होती है। तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, श्री बागेश्वर गणपति विसर्जन के उपलक्ष्य में मैं यहाँ हूँ, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि महाराज जी ने ऑलरेडी लक्ष्मण जी को बोला था कि सेलिब्रिटीज आएंगे, तो देखिए ये चमत्कार से कम नहीं है कि हम लोग यहाँ उपस्थित हैं इस बहुत अद्भुत अवसर पर। और हाँ, सेलिब्रिटीज भी ऐसे मिली जो बालाजी से जुड़े हुए हैं, बालाजी के भक्त हैं, और दूसरा और टिकू जी भी उनसे जुड़े हुए, आप भी जुड़ी हुई है। और निर्भय जी का तो मैं क्या कहूँ, मैं तो खुद उनका मतलब दीवाना हूँ कि उन्होंने जो बालाजी का कैरेक्टर किया है ना, मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है। हम सब उनके आशीर्वाद से यहाँ हैं। बिल्कुल कर्णिका जी, आपकी जो अपकमिंग फिल्म है स्टारगेट, उसके बारे में जानना चाहिए, कितने एक्साइटेड हैं आप उसके लिए? कर्णिका जी, आपकी जो अपकमिंग फिल्म है स्टारगेट, आप कितने एक्साइटेड हैं उसको लेके? क्या है वो फिल्म में, क्या रोल प्ले कर रहे हैं आप उसमें?
मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उस मूवी को लेकर, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया का नाम रोशन नहीं करने वाली, वर्ल्ड लेवल पर जैसे इसरो ने देश का नाम रोशन किया है, वैसे ही मूवी इंडस्ट्री में ये टेक्नोलॉजी इंडिया का नाम, भारत देश का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन करने वाली है। ये पहली टेक्नोलॉजी है जो 360 डिग्री कैमरा पे बनने जा रही है, और इसके थिएटर अलग हैं, वर्चुअल रियलिटी जो वर्चुअल थिएटर होते हैं। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है कि जब आप इस थिएटर में जाकर इस मूवी को देखेंगे। तो मैं एलियन का रोल कर रही हूँ, और जो हमारा जो सेटअप है जो चेयर का, वो पूरे 360 डिग्री कैमरा पर मूव करेगा। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस मूवी में। एक्शन है, इमोशन है, और स्पिरिचुअलिटी भी है इसमें। आज तक इतनी सारी साईफाई मूवी बनी है, बट उसमें कभी भी हमारे स्पिरिचुअल पार्ट को नहीं दिखाया गया, बट इसमें दिखाया गया है कि हमारे जो दूसरे प्लैनेट के लोग भी यहाँ पर प्लैनेट पे आते हैं, तो उनका कनेक्शन कैसा है, डिवाइन कनेक्शन, तो आपको वो देखने को मिलेगा। निर्भय जी, अगर आपकी बात करें महाभारत जो सबसे बहुत ऊपर के लेवल पे एक शो था एक टाइम पे, और उसके बाद आपने जो हनुमान का कैरेक्टर रोल किया, काफ़ी फैंस बहुत दीवाने आपके रोल के लिए, आपके काफ़ी फैंस जो है बहुत एक्साइटेड है कि अपकमिंग क्या आने वाला है। मेरे लाइफ का फर्स्ट शो था महाभारत जो मैंने किया, उसमें मैं एक दुशासन के कैरेक्टर में था, वो नेगेटिव था। उसके बाद मैंने हनुमान जी का कैरेक्टर भी किया, और काफ़ी शोज में किया, जिसमें से सबसे लोकप्रिय संकट मोचन महाबली हनुमान, ऐसे बहुत सारे और भी शो किए, लेकिन ये दो शो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग थे जो एक ऊंचाइयों पे ले गए अचानक से। अभी आने वाले नए शो हैं मेरे, एक तो चल रहा है उसमें मैं हिरण्यकश्यप का कर रहा हूँ, शिव शक्ति के नाम से, कलर्स पे मेरा ट्रैक चालू होने वाला है उसके अंदर बहुत जल्दी। और अभी एक वीडियो बन पे नया शो आने वाला है, मैं अभी हाल बस मैंने नाम भी नहीं पढ़ा, क्या बस साइन किया शो को, स्टोरी समझिए, नाम मेरे से थोड़ा हट गया दिमाग।